खबरदार करना है बमबाजी के उस तूफान से जो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में चल रहा है। पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में 7 दिन के भीतर अब तक 15 जगहों पर बम फेंककर पर्चा भरने से रोकने या फिर बदले की राजनीति के तहत हिंसा की जा चुकी है। बंगाल के पंचायत चुनाव में 7 दिन के भीतर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। इस बीच दक्षिण 24 परगना में जहां कल 2 लोगों की हत्या हो गई, वहां हिंसा के इलाके में आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पहुंचकर स्थिति को समझा और बयान दिया कि हिंसा करने वाले हमेशा के लिए संवैधानिक तरीके से जल्द चुप कराए जाएंगे। बम फोड़े जा रहे हैं, खुलेआम बम चल रहे हैं। मुंह को कपड़े से ढके हुए लोग चुनाव में सामने खड़े पुलिस कर्मियों से नहीं डरते, जिन्हें फिर पीछे करने के लिए पुलिस सामने से आंसू गैस के गोले दागती है। ऐसी भगदड़ मची है कि पूछिए मत। समझ ही नहीं आता किसी को कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा क्यों हो रही है। मारो, ग्रेनेड मारो। लोग जख्मी हालत में मिल रहे हैं, ऐसे खून बहाया जा रहा जैसे न जाने क्या कुछ हासिल करना है। ये सारी तस्वीरें अब तक आपने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके की देखी है, जहां पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान एक दूसरे को पर्चा भरने से रोकने की ये भागम भाग। पुलिस के सामने ही भिड़ंत है, एक दूसरे को पीटने और रोकने की कोशिश है। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में ही लोगों के हाथ में देखिए हर तरह का हथियार है। ये हेलमेट पहने हैं, मुंह रुमाल से छिपाए हैं, गमछे से बांधे हुए हैं। आज तक संवाददाता दीपा नेता दास यहाँ मौजूद है, जिन्हें आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी देती हुई भीड़ खड़ी है, हिंसा करती हुई भीड़। जिन लोगों ने आज तक संवाददाता को आगे बढ़कर धमकी दी, ये कहते हुए कि आगे अगर हमारा कैमरा पहुंचा तो फिर हश्र अच्छा नहीं होगा। इसी इलाके में जहां बम फूटे, जहां हिंसा में 2 लोगों की मौत तक हो गई, अब स्थिति को समझने राज्यपाल तक को दौरा करना पड़ा। As governor, I would take the initiative to see that all stakeholders are brought together and a joint effort is made to quell this situation of violence which mars the peace and quiet of this peaceful state. यहां पर हिंसा के बाद जली हुई गाड़ियों के पास पहुंचे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय, जहां भांगोर इलाके में लोगों ने बताया कि यहां धारा 144 लगी है, लेकिन खुलेआम चुनाव में गोली चल रही है, बम फेंके जा रहे हैं। इस वक्त भांगोर में है, कल और उससे एक दिन पहले भी यहां पे हिंसा देखी गई। ये गाड़ियां इनको जलाया गया है, ये यहां की ग्राउंड सिचुएशन है। ये यहां पर गाड़ी के जो टायर्स है वहां पर भी उस साइड पे भी हम लोगों ने देखा कैसे वो जल रहा था। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बहुत खराब है, इधर से बम गोली सब बंदूक चल रहे। 144 जो वीडियो है, 144 उधर से 1 किलोमीटर नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक गन का एक 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 गन का बट गिरा हुआ है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये शायद एक इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी। कुछ देर पहले यहाँ पे गवर्नर खुद आए थे और यहाँ पे मुआयना किया इस पूरे विषय का, इस पूरे जगह का, और लोगों के साथ भी बात की ताकि सिचुएशन को एटलीस्ट यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए गवर्नर की तरफ से कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कैमरा पर्सन और के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक भांगोर।